हेलो प्यारे बच्चों, और कुछ क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में कराने हैं तो जरा देखिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लस फोर इंटू माइनस टू प्लस प्लस थ्री इंटू माइनस टू। तो आप फर्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आप सीख चुके हैं, ये अपोजिट साइन वाले इंटीजर्स हैं, प्लस इंटी पॉजिटिव इंटीजर और ये नेगेटिव इंटीजर। अपोजिट साइन वाले नंबर्स का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन आता है माइनस का, तो ये आया हमारे पास माइनस एट प्लस ये वाला साइन यूज किया गया है। अपोजिट साइन वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई माइनस सिक्स। अब आपको देखना है, ध्यान देने वाली बात है, अब ब्रैकेट को ओपन करना है। तो ये माइनस एट, जब आप इस तरीके की कंडीशन में होंगे कि ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन है, और जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आप लिखेंगे माइनस सिक्स। क्या लिखेंगे? माइनस सिक्स। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं इसको, प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का जब मल्टीप्लाई होता है तब साइन नेगेटिव आता है। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस, जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो साइन आएगा माइनस का। तो ये माइनस एट, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और ये सिक्स। मल्टीप्लाई हो चुका, अब इसके बाद आपको देखना है कि अब नंबर्स तो आ गए आपके पास माइनस एट और माइनस सिक्स, इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि नंबर अगर सेम साइन वाले हैं तो उनको ऐड करना होता है, और नंबर्स अगर अपोजिट साइन वाले होते हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट करना। तो यहां पर आप देख रहे हैं दोनों नंबर सेम साइन वाले हैं, माइनस एट और माइनस सिक्स। तो आप ऐड करेंगे इनको, एट और सिक्स को ऐड करेंगे, फोर्टीन आएगा। चूंकि आप नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, माइनस और माइनस के नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो साइन भी यहां पर माइनस आएगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं क्योंकि तो उनको टीचर्स पढ़ा देते हैं कि माइनस माइनस प्लस। मैं टीचर्स का एक बेसिक फॉल्ट बता रहा हूँ जो कि अक्सर मैंने टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा है, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। अगर मेरी बात टीचर भी सुन रहे हो तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाह रहा हूँ कि कृपया बच्चों को ये कॉन्सेप्ट ना बताएं, माइनस माइनस प्लस। टीचर इस तरीके से पढ़ाते हैं कि माइनस माइनस प्लस। मैं इस कॉन्सेप्ट की गलती बता रहा हूँ आपको कि जब आप माइनस माइनस प्लस करा देंगे तो बच्चा ऐड करने के बाद यहाँ पर प्लस साइन यूज कर देता है। वो बच्चा एट और सिक्स को ऐड करेगा और क्या ऐड करने के बाद यहाँ पर साइन यूज करेगा पॉजिटिव प्लस का, और फिर वो कहता है कि मुझे तो सब ने बताया कि माइनस माइनस प्लस। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं इसमें ये गलती है, आपको पढ़ाना कैसे है कि माइनस माइनस ऐड, माइनस माइनस प्लस नहीं, माइनस माइनस ऐड, नॉट प्लस, माइनस माइनस ऐड। तो जब आप माइनस माइनस के नंबर को ऐड करेंगे तो ऐड कर दिया आपने, 14 आ गया। क्योंकि आप माइनस माइनस के नंबर को ऐड कर रहे हैं तो माइनस का ही साइन आएगा, प्लस का साइन नहीं आएगा। जब आप प्लस प्लस के नंबर को ऐड करते हैं तो प्लस का साइन आता है, जब आप माइनस माइनस के नंबर को ऐड करते हैं तो माइनस का साइन। तो माइनस माइनस प्लस ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाना है बच्चों, आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस साइन यूज करेंगे और ये आपके पूरे क्वेश्चन को गलत करा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन, प्लस फोर मल्टीप्लाई प्लस फाइव प्लस माइनस थ्री मल्टीप्लाई प्लस सेवन। तो आप देखेंगे सिमिलर साइन वाले नंबर्स हैं,
ऐड को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन प्लस का आएगा, प्लस 20, ये प्लस, अपोजिट साइन वाले नंबर्स हैं, साइन माइनस का आएगा, माइनस 21। फर्स्ट स्टेप आपकी कंप्लीट, मल्टीप्लाई हो गया। अब आपको ब्रैकेट ओपन करना है, तो ये प्लस 20 को प्लस 20 लिखा जाएगा। यहां पर मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो और ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन हो, तब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर माइनस आता है, इसलिए यहां पर आएगा माइनस 20। ब्रैकेट ओपन हो गया आपका, ये प्लस 20 और ये माइनस 21। इसके बाद थर्ड स्टेप में आपको ये देखना होता है कि ये नंबर्स जो आपके पास आ रहे हैं, दो नंबर आ गए आपके पास, प्लस 20 और माइनस 21, ये दो नंबर्स अब हमको ऐड करने हैं या सबट्रैक्ट करने हैं। तो इसका तरीका आपको कई बार बता चुका हूं, फिर एक बार बता रहा हूं कि जब साइन अपोजिट हो तो सबट्रैक्ट करना होता है और जब साइन सिमिलर हो तो ऐड करना होता है। तो अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन में हमको सबट्रैक्ट करना है, तो 21 में से 20 सबट्रैक्ट कर देंगे, 1 आएगा सबट्रैक्ट करने के बाद। अब देखना होता है कि साइन क्या लगाएं, क्योंकि एक यहां पर साइन प्लस का था, एक यहां पर साइन माइनस का था, तो हम 1 के आगे क्या साइन लगाएं। तो सिंपल तरीका है, जो बड़ा नंबर होता है उसके आगे का साइन आप देखिए, माइनस साइन है बड़े के आगे, ग्रेटर नंबर 21 था, 21 के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर साइन माइनस का आएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, -4 × +4 +-7 × +4। आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप में हमको मल्टीप्लाई करना होता है, तो अपोजिट साइन वाले इंटीजर्स हैं ये दोनों, यहाँ -6 है, यहाँ +4 है। अपोजिट साइन वाले इंटीजर्स का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो साइन नेगेटिव आता है, तो यहाँ नेगेटिव -24 आएगा, ये प्लस। फिर यहाँ देख रहे हैं आप अपोजिट साइन वाले इंटीजर्स हैं, साइन माइनस का आएगा, -28। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई, मल्टीप्लाई हमने कर लिया। सेकंड स्टेप में हमको ब्रैकेट ओपन करना होता है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -24, ये आप देख रहे हैं ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर माइनस का नंबर आता है, तो -28। ये हमारी दो स्टेप्स कंप्लीट हो गई। थर्ड स्टेप में अब हमको देखना होता है कि ये जो नंबर आ रहे हैं इनको ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है। कई बार बताया आपको कि सिमिलर साइन वाले नंबर्स ऐड होते हैं, अपोजिट साइन वाले नंबर सबट्रैक्ट होते हैं। तो नंबर इस समय सिमिलर साइन वाले हैं, यहां पर भी माइनस का नंबर है, यहां पर भी माइनस का नंबर है, दोनों नंबर्स सेम साइन वाले हैं, तो हम इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा, 8 + 4 = 12 (1) और यह आया आपका 5 (52). चूंकि आपने दोनों नंबर्स अपोजिट साइन वाले, सॉरी सिमिलर साइन वाले ऐड किए हैं और दोनों नंबर्स का साइन नेगेटिव है, तो साइन आप क्या लगाएंगे यहां पर, नेगेटिव। पहले भी एक क्वेश्चन मैंने बताया इस तरीके का कि माइनस माइनस वाले नंबर्स जब ऐड होंगे तो साइन माइनस का आएगा। वो कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ना है कि माइनस माइनस प्लस, ये नहीं पढ़ना है, माइनस माइनस ऐड। क्वेश्चन, -6 × -5 + -2 × +5। फर्स्ट स्टेप में हमको मल्टीप्लाई करना होता है, तो -6 का मल्टीप्लाई -5 के साथ करेंगे, दोनों नंबर्स सेम साइन वाले नंबर हैं, तो आंसर प्लस का आएगा और +30। ये नंबर मल्टीप्लाई करके आ गया, इसके बाद ये प्लस,
इसके बाद ये दोनों नंबर अपोजिट साइन वाले नंबर हैं, तो मल्टीप्लाई करके आंसर नेगेटिव आएगा और माइनस 10। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। इसके बाद सेकंड स्टेप में ब्रैकेट ओपन करना होता है। अब आप ब्रैकेट ओपन करिए, प्लस 30 और ये प्लस ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर है माइनस। प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो नंबर आता है माइनस का, तो -10। सेकंड स्टेप की आपकी कंप्लीट हो गई, आपने ब्रैकेट ओपन कर लिया। थर्ड स्टेप में हमको देखना होता है कि ये नंबर जो आ रहे हैं इनको हमें ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है। तो इसका तरीका आप जानते ही हैं कि जब सिमिलर साइन वाले नंबर हो तो ऐड होंगे, अपोजिट साइन वाले नंबर हो तो सबट्रैक्ट होंगे। इस समय ये +30 है, ये -10 है, दोनों के साइन अपोजिट है, तो इनको हम सबट्रैक्ट करेंगे। बड़ा नंबर 30 है, 30 में से 10 को सबट्रैक्ट कर देंगे, आंसर 20 आया। साइन के लिए हमको देखना होता है बड़ा नंबर, बड़ा नंबर 30 है, 30 के आगे साइन कौन सा लगा हुआ है, प्लस। तो यहाँ पर +20 साइन, ये प्लस का साइन 20 के आगे यूज किया जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन -8 मल्टीप्लाई -5 प्लस -4 मल्टीप्लाई +5। फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई की है, मल्टीप्लाई करना होता है, तो -8 का मल्टीप्लाई -5 के साथ, सेम साइन वाले नंबर्स, सेम साइन वाले इंटीजर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। कई बार आपको बताया जा चुका है, रूल्स भी आप देख चुके हैं, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आएगा आंसर +14। ये बीच का साइन प्लस, इसके बाद -4 का मल्टीप्लाई +5 के साथ, तो -4 का मल्टीप्लाई जब +5 के साथ करेंगे, दोनों साइन अपोजिट हैं, अपोजिट साइन वाले इंटीजर्स का मल्टीप्लाई नेगेटिव आता है, तो -20। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, मल्टीप्लाई हमने कर लिया। इसके बाद अगली स्टेप में हमको ब्रैकेट ओपन करना होता है, ब्रैकेट ओपन कीजिए, +40, ब्रैकेट के बाहर ये प्लस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो -20। सेकंड स्टेप भी आपकी कंप्लीट हो गई, आपने ब्रैकेट ओपन कर लिया। थर्ड स्टेप में आपको देखना होता है कि जो नंबर्स आ रहे हैं उनको हमें ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है। उसका तरीका आप जानते हैं कि सिमिलर साइन वाले नंबर हो तो ऐड करेंगे, अपोजिट साइन वाले नंबर हो तो सबट्रैक्ट करेंगे। इस समय ये +40 और ये -20 अपोजिट साइन वाले नंबर्स हैं, इसलिए हम इनको सबट्रैक्ट करेंगे। 40 में से 20 को सबट्रैक्ट किया, 20 आया। साइन लगाने के लिए हम बड़ा नंबर देखेंगे, बड़ा नंबर हमारे पास 40 है, 40 के आगे साइन प्लस का लगा हुआ है, तो ये +20 आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा।